मजीद वीडियो देखने से कबल इस चैनल को लाइक करें, वीओके न्यूज एचडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वॉइस ऑफ कराची न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम्माद यूसुफ, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची न्यूज़। नाज़रीन, शवरमे तो आपने खाए होंगे, लेकिन ऐसा शवरमा आपने कभी नहीं खाया होगा। ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ऐसा शवरमा सिर्फ दो ही मुल्कों में मिलता है, एक सऊदी अरब और दूसरा पाकिस्तान, और इनकी और कहीं भी कोई ब्रांच नहीं है। इस शवरमे में ऐसे क्या खासियत है? हमारे साथ मौजूद है इस शवरमे के शॉप के मालिक, जो कि सऊदी अरब में पैदा हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर कारोबार स्टार्ट किया शवरमे का, जो चल पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में उन्होंने स्टार्ट किया और यहाँ पर भी उस टेस्ट को जो है खूब सराहा गया, खूब पसंद किया गया और उन्होंने माशाल्लाह ये काम आगे बढ़ाया। आइए इनसे जानते हैं मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो शवरमी खासियत बताइएगा। भाई, शवरमा ये कि चारकोल पे बन रहा है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम ये ट्रेंड लेके आए कि पाकिस्तान ये चारकोल पे शवरमा बन रहा है, और ये सऊदीया में बहुत है, बहुत मशहूर है। शवरमा अलल फहम कहते हैं कि चारकोल के ऊपर बनता है। अलल फहम की इसके क्या मायने? ऑन चारकोल, चारकोल के ऊपर। ये जो आपने पाकिस्तान में या कराची में जब जगह देखोगे कि वो आग पे बनते हैं, ये जो हम ट्रेंड लाए, ये शवरमा चारकोल पे बन रहे हैं। इसका अलग ही टेस्ट होता है कि जो इसके स्मेल इसमें जो होती है, उसकी स्मोक की और चारकोल की, इसकी वजह। अच्छा, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आप सऊदी अरब में पैदा हुए हैं, तो वहाँ आप इतने साल हो रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ अर्से पहले शिफ्ट हुए हैं, तो आपने वहाँ बिज़नेस को ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ही क्यों चूज़ किया बिज़नेस बढ़ाने के लिए? नहीं, हमारी पैदाइश यानी कि हमारे वालदेन वगैरह सब तो पाकिस्तान के ही हैं बेसिकली, और अब वहाँ से थोड़ा मूव होना था किसी वजह से, तो यहाँ पर भी हम हर साल आते थे हॉलीडेज़ पर, तो यहाँ पे ये था कि वो वाला टेस्ट नहीं था जो हमारे बच्चे भी पैदा हुए कि यहाँ पे सब स्पाइसी था, और बहुत सारे लोग हमारी तरह सऊदीया से मूव हुए यहाँ पे, तो हमें भी यही शिकायत थी कि यहाँ पे वो सऊदीया वाला टेस्ट नहीं है शवरमे में, तो हमने ये कहा कि भाई अपने मुल्क में भी वो शुरू करें जो सऊदीया में मशहूर है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स कहा जा रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स और आपकी रेसिपी सब मुख्तलिफ होता है, दूसरा क्या चेंज होता है उसमें? जी, इसमें जो सॉसेज हैं वो सऊदीया से लाई हुई हैं, कि जो उसके जो मटेरियल होता है वो भी हम सऊदीया से ख़ुद इंपोर्ट करते हैं, और जो शेफ़ लेके आए वो भी सऊदीया से ही लेके आए हैं हम खुद। हाँ, शेफ़ का भी मैंने सुना आपके सारे सऊदी अरब के शेफ़ हैं, तो क्या पाकिस्तानियों पर आपको यकीन नहीं था? नहीं, वो हैं पाकिस्तानी, हम खुद भी पाकिस्तानी हैं, तो अपने मुल्क को सबसे पहले तरजीह देंगे, इसलिए। सऊदी अरब के शेफ़ बुलाने का क्या मकसद है? पाकिस्तानी वो भी उसी तरह हमारी तरह वहीं पर सऊदीया में पहले बढ़े, अब उनको भी इधर लेके आए कि उनका भी मुल्क पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी, तो इसलिए उनको भी पाकिस्तान आना था, तो हमने कहा भाई हम भी मिलके एक काम शुरू करते हैं पाकिस्तान में, अपने मुल्क में। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या, कौन सा जो है शवरमा पसंद किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल होता है? शवरमा सारूख और शवरमा अरबी। उसमें क्या खासियत है? ये एक रोल रैप शवरमा है जिसके अंदर चिकन होती है, नॉन वेजिटेबल फ्राइज इसमें होते हैं, चिकन फ्राइज और हमारी ओन मेड सॉसेज होती हैं। तो आपके और क्या स्पेशलिटीज़ हैं शवरमे के और आइसक्रीम्स के अलावा? शवरमा है, आइसक्रीम है, क्लब सैंडविच है, जो जिंगर क्लब सैंडविच पाकिस्तान में आपने शायद नहीं सुना हो, जिंगर क्रिस्पी चिकन में होता है, और बर्गर है, बीफ बर्गर और चिकन बर्गर शेख अल बर्गर के नाम से, वो भी सऊदीया की रेसिपी पे है बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मतलब किस तरह फ्री डिलीवरीज़ हैं घर पे, अगर किसी को अगर चाहिए हो, क्योंकि रमज़ान और मुबारक का मौका है, लोग नहीं निकलते, अगर किसी को घर पे चाहिए तो किस तरह आपसे रब्ता करें? अभी हमारा फ़ोन नंबर तो मौजूद है हमारे पेज पे मिस्टर अरब कैफ़े पे, लेकिन अभी फ़िलहाल होम डिलीवरी हमने रोकी हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। जी नाज़रीन, तो ये है मिस्टर अरब। अगर आप भी मुनफरिद और अरबी स्टाइल का शवरमा खाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। वॉइस ऑफ कराची के तवस्सुस से आपको जो है खुसूसी डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन अरशद अली के साथ हम्माद यूसुफ, वीओके न्यूज़ कराची।